Hello everyone! गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू माइनेट ब्रेन सो भाई मैगनेट ब्रेन प्लेटफॉर्म है जहां पर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स मिल जाएगा यू कैन आस फॉर एनी थी सीबीएसई बोर्ड को स्टेट बोर्ड यू के आस फॉर एन टी एस यू कैन आस फॉर ओलपियड्स एनसीआर या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे वेबसाइट पर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट येस यू हर्ड दैट राइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर से दो वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ कंप्लीट कोर्स की बात करो

यहां लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो बट इन प्रॉपर्टीज के अंदर या इन जीरो के अंदर एक्चुअली में दो थ्योरम एग्जिस्ट करती हैं जो हम आज देखने वाले हैं इन्हीं के अंदर दो एग्जिस्ट करती है बेसिकली ये नाम यहां पे इसलिए दिया गया है क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप जीरो या वन क्योंकि बैलरी में दो ही पॉसिबिलिटीज है जीरो एंड वन तो अगर आप जीरो या वन के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे बाकी किसी भी नंबर का तो उसका रिजल्टेंट क्या आने वाला है वो हम बेसिकली यहाँ पे देखने वाले हैं तो हम जीरो और वन के साथ प्रॉपर्टी फिलहाल यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि जीरो और प्रॉपर्टी क्या होती है दो थियोर एक्सिस्ट करती है वो आपको आगे देखने को यहां पे मिलेगी बेसिकली वो दो थ्योरम है एक तो है डोमिनेंस थ्योरम और एक है आइडेंटिटी थ्योरम वो हम आगे इसमें देखेंगे इससे पहले हम आगे जो जो थेरम्स देखने वाले हैं देखने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में उन सब की पूरी एक समरी बना रखी है भाई मैंने मतलब इससे पहले वाली वीडियो में पूरा लिस्ट आपको दे रखी है मैंने कि क्या क्या थेरम्स हम आगे देखने वाले हैं तो अगर आपको जरा सी भी कोई भी दिक्कत है सर क्या क्या थेरम्स देखेंगे क्या सीक्वेंस रहने वाला है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा मतलब वो पूरे ओवरव्यू की ओवरव्यू ऑफ नॉट चैप्टर नॉट ऑफ सिलेबस ऑफ दी, दीज थे क्या क्या थ्योरम्स हम देखने वाले हैं बाकी अगर आपको थ्योरम और पॉस्टुलेट में डिफरेंस नहीं पता या दिक्कत है नहीं पता चलता कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में तो भी वो वीडियो देखिएगा तो बिकॉज उसमें आपको मैंने समझाया कि थेरम क्या होती है और पॉस्टुलेट से वो कैसे डिफरेंट है तो एक बार वो वीडियो देख के आइए अगर आप वो देख के आ रहे हैं देन शुरुआत करते हैं बिकॉज ये अब आपको समझ में आने लगेंगी ठीक है तो फटाफट प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वन शुरुआत करेंगे बट उससे पहले अगर आपको प्रीवियस वीडियोस को फिच करने में दिक्कत है जैसे मैंने कहा इसके पहले वीडियोस देख के आइएगा बट अगर फिच करने में दिक्कत है नहीं मिल रही है वीडियोस तो क्या करना है तो यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी जो मेरे कंप्लीट प्लेलिस्ट की है ऑफ क्लास इलेवंथ कंप्यूटर साइंस तो क्लास इलेवेंथ कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्ले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उस पर आप क्लिक करोगे तो इलेवेंथ सी की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे जिसमें आपको ये चैप्टर विच इज बुलियन लॉजिक अब इसकी भी कहानी वो भी बताता हूं तो बुलियन लॉजिक के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाए है ना सिक्वेस्ट सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और इवन इसी चैप्टर के क्यों बाकी और जो भी चैप्टर से क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे अब इस चैप्टर की खासियत यह है कि यार ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है मतलब एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो बूलियन लॉजिक के नाम का हो बेसिकली एनसीईआरटी में बूलियन लॉजिक नहीं है बट सीबीएसई करिकुलम में आप लोगों के लिए बूलियन लॉजिक दे रखा है या सीबीएसई करिकुलम में बूलियन लॉजिक नाम का एक टॉपिक दे रखा है ठीक है तो इसलिए हम यहां पे सीख रहे हैं इसीलिए यहां पे सीबीएसई लिखा हुआ है एनसीईआरटी नहीं लिखा हुआ है ठीक है और ये टॉपिक वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक से आपको ये समझ में आएगा कि जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है सीपीयू के अंदर जो ए यूनिट है अर्थोमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं बिकॉज यही सब काम वहाँ पे लगता है मतलब बोल एंड लॉजिक ही वहाँ पर लगता है कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी सो दिस इज दिस इज करना बी इंपॉर्टेंट कि ठीक है बिकॉज ये समझ में आना चाहिए कि ए एक्चुअली काम कैसे कर रहा है सो दैट इज इंपॉर्टेंट राइट तो इसी वजह से हम यहाँ पे चैप्टर देख भी रहे हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत होती है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है ठीक है उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जहां पे प्रॉपरली सब चीज़ें अरेंजड है ऑर्गेनाइज है आपको पेपर के हिसाब से जिस पेपर के लिए चाहिए या फिर जिस सब्जेक्ट का चाहिए जिस क्लास का चाहिए उस तरीके से प्रॉपरली हमने अरेंज कर रखी है प्ले की लिंक प्लेलिस्ट्स की नाम प्लेलिस्ट के नाम और उनकी लिंक तो लिंक पे क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर कोर्स पे पहुंच सकते हो और उसकी सारी वीडियोस एंजॉय कर सकते हो ठीक है तो अब ये जो टेंशन है भाई किसी भी प्लेलिस्ट के नाम मिलने की किसी भी वीडियो के नाम मिलने की वह बोती है ख़त्म बिकॉज इसके लिए हमने ये सिस्टम आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है तो जस्ट यूज़ दैट ओके चलिए हो स्टार्टिंग विद द टॉपिक बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए विच जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनीज है एक है मैग्नेट ब्रिन्स एक है पैबली मैगनेट एक है पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो आप में वो स्पार्क है हमारे साथ एक रोल राइट पर जाने के लिए तैयार हो सो अप्लाई अप्लाईर इट इज वेरी इजी ऑल यू नीड टू डू इज मेल एस यू रेज्यूम एट दिस ई मेल आई डी विच इज मैग्नेट ब्रिन्स भोपाल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम दो बातों का ध्यान रखेंगे कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट रेज्यूमे में डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट दूसरा सब्जेक्ट में आप लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में और अगर हम पाते हैं कि आपकी स्किल सेट्स हमारे रिक्वायरमेंट्स से मैच करते हैं देन डेफिनेटली वी वुड यू और अगर आपको फिलहाल लगता है कि आप आ, अभी रेडी नहीं हो ठीक है आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिकॉज ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है मतलब ऐसा नहीं है कि दो दिन में ही बस आपको हमें ज़रूरत है अभी अर्जेंटली दो दिन में डेवलपर चाहिए बस अप्लाई कर दीजिए नहीं दैट इज़ नॉट द सीन एक लॉन्ग प्रोसेस है हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है तो आप क्या करिए अप्लाई करिए एटलीस्ट यहाँ पर अप्लाई करिए जानिए कि क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है ठीक है और जो स्किल्स की आपकी कमी लग रही है आपको वो सब पे काम करिए प्रैक्टिस करिए और फिर अप्लाई करिए ठीक है सो वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई ठीक है तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी स्किल्स मैच करेंगे तो डेफिनेटली वी वुड कॉन्टेक्ट यू ठीक है और अगर आपको लगता है कि आपकी जान पहचान में कोई है जिसके पास ये स्किल्स हो जो स्किल्स प्रोसेस करता हो ये तो उनसे भी आप कह सकते हो कि यहां पे अप्लाई करें ठीक है सो दैट इज गन वर्क तो आप सबसे कहिए कि यहां पे अप्लाई कर सकते हैं प्रोसेस इज अगेन सेम ओके सो इफ यू आर एक्साइटेड इफ यू आर रेडी सो कम कॉमन अप्लाई हेयर ओके नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन सो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन बेसिकली कंप्राइज ऑफ टू लॉज तो दो लॉज के नाम क्या एक to तो dominance लॉ और एक है आइडेंटिटी लॉ मतलब हमने कहा जीरो वन के साथ इंट्रैक्ट करेंगे तो कुछ बिहेवियर होगा तो एक बिहेवियर डोमिनेंस लॉ में आता है और एक टाइप का बिहेवियर आइडेंटिटी लॉ में आता है और इसके अंदर भी और फर्दर और भी रूल्स uh, है वो रूल्स हम आगे देखने वाले हैं तो पहले तो डोमिनेंस लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं सो सो व्हाट इज डोमिनेंस लॉ बेसिकली इन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अभी मैं बुलियन की नहीं बात करूं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ नॉर्मली जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं सो इन नॉर्मल सॉरी इन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वी हैव द प्रॉपर्टी दैट एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय यील्ड्स अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा है कि आप किसी भी चीज को किसी भी चीज को कोई भी चीज है एक्स इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअली एक्स नहीं लिखता हूं मैं इसको इसको लिख लेता हूं सपोज ए ए को मैं मल्टीप्लाई करता हूं जीरो से तो मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है जीरो मिलने वाला है Right?

सप्रेस एक तरीके से जीरो सप्रेस कर रहा है को सप्रेस मास्क और डोमिनेट एनी अदर वैल्यू अंडर मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन में कोई भी चीज है उस पर डोमिनेट कर रहा है उसको एक तरीके से मास्क कर दे रहा है मतलब हाइड कर दे रहा है या फिर डोमिनेट कर रहा है ये सिचुएशन है यहां पे ठीक है नाउ द सेम डोमिनेंस द डोमिनेंस आइडेंटिटी ऑल्सो नोन एज द दपरेशन और मास्किंग आइडेंटिटी इज सिमिलर एंड मेयरली रिकॉनाइ दैट एनी में बिल्कुल ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है और वो क्या है कि एनीथिंग दैट इज तो ये तो समझ में आ गया कि नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में जीरो सप्रेस करता है जीरो डोमिनेट करता है वैसे ही बोलियन लॉजिक में भी है कि कोई भी चीज एनीथिंग व्हेन वेन ऑर्ड ऑर्ड मतलब ओ आर ई डी ऑर्ड मतलब और मतलब कि और किया गया ठीक है सो जब आपने उसको और किया विद ट्रू प्रोड्यूस आर ट्रू तो अगर आपने किसी भी नंबर को और किया ट्रू के साथ तो आपको क्या मिलेगा तो एनीथिंग एनीथिंग को ए सी रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑर्ड मतलब प्लस लगा देते हैं तो यहां पे तो मैं लिख लेता हूं और तो एनीथिंग व्हेन ऑर्ड विद ट्रू विल प्रोड्यूस बेसिकली व्हाट विल प्रोड्यूस ट्रू मतलब यहां पे क्या है ट्रू की डोमिनेंस दिखाई जा रही है और ऑपरेटर में ठीक है तो वही चीज़ एक फिर से that that मतलब किसी भी चीज़ को आप और करेंगे ट्रू के साथ आंसर ट्रू मिलने वाला है मतलब डोमिनेंस किसकी ट्रू की वाइल एनी थिंग एंड फॉल्स मतलब एनीथिंग जिसको आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो विथ वॉट विद फॉल्स विल गिव यू विद अ फॉल्स प्रोड्यूस अ फॉल्स तो ये क्या देता है भाई ये आपको फॉल्स देता है अब यहां पे किसकी डोमिनेंस तो यहां पे डोमिनेंस हो गई आपकी फॉल्स की यहां पे किसकी डोमिनेंस हो गई यहां पे डोमिनेंस हो गई फॉल्स की तो ऊपर किसकी डोमिनेंस दिख रही है ट्रू की नीचे किसकी डोमिनेंस दिख रही है फॉल्स की मतलब किसी भी चीज को आप और करोगे ट्रू के साथ तो ट्रू मिलेगा किसी को भी एंड uh, करोगे फॉल्स के साथ तो फॉल्स मिलेगा So, ये बेसिकली क्या है आपका डोमिनेंस रूल है अब जैसे एक डोमिनेंस रूल एक्जिस्ट करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ जीरो वन में ऐसे ही एक एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी रूल तो वो देखते जरा फटाफट आइडेंटिटी रूल तो समझ में आया जैसे कि नॉर्मल मेंल्टीप्लिक्स मतलब जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स है ना उससे चीजें रिलेट करोगे तो समझ में आएंगी है ना क्योंकि काफी हद तक तो उसी से कहानी आई है जैसे हमने पहले भी कहा कि जैसे मल्टीप्लीकेशन में सॉरी जैसे मैथमेटिक्स में रूल्स होते हैं ना वैसे ही यहाँ पर भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं ठीक है सो जस्ट एज जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर नॉर्मल एडिशन एंड वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन सोटू आर जीरो फॉल्स एंड वन द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल एंड एंड रेस्पेक्टिवली मतलब जैसे कि नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करो बोलियन की मैं बात ही नहीं कर रहा नॉर्मल मैथमेटिक्स की या नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि जब आप किसी को भी जब आप किसी भी नंबर को कोई भी नंबर ए है सपोज इस ए को आपने ऐड किया जीरो के साथ तो क्या मिलने वाला है बेसिकली तो यहां पे मिलने वाला है ए और यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि यार आइडेंटिटी रूल है वह आइडेंटिटी रूल क्यों इसको वर्ड हम आइडेंटिटी कह रहे हैं बिकॉज जो चीज आपने दी है वही आपको रिजल्ट में भी मिलने वाली है तो जो इनपुट था वही आपको रिजल्ट में भी मिल रहा है तो बिल्कुल आइडेंटिटी है मतलब आइडेंटिकल है सेम है तो इसलिए आइडेंटिटी रूल पड़ेगा ठीक है तो ये होता है एक तो एडिशन में जीरो होता है और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है जब मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा भाई किसके साथ वन के साथ अब जीरो के साथ नहीं, है? नहीं के साथ करना है तो ए को वन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब भी क्या मिलता है ए तो ये भी क्या होगी आइडेंटिटी रूल हो गया मतलब ये नॉर्मल मैथमेटिक्स की कहानी है फिलहाल कि ए को जीरो के साथ ऐड किया तो ए मिला ए को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए मिला ये नॉर्मल आपके एडिशन uh, और मल्टीप्लिकेशन की कहानी है ये आइडेंटिटी रूल नॉर्मल आपका एग्जिस्ट करता है कहां पर नॉर्मल एग्जिस्ट करता है आपके नॉर्मल मैथमेटिक्स में सेम सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जीरो और वन के लिए भी इन सॉरी uh, सो टू आर जीरो एंड वन द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑर एंड एंड रिस्पेक्टिवलीम कहानी और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर सब एग्जिस्ट करती है जब आप जीरो या वन यूज कर रहे हो तो जब आप जीरो के साथ और को यूज कर रहे हो मतलब देख तो ये तो नॉर्मल मैथामेटिक्स हो गया अब बुग्ली लॉजिक में कह रहे हैं कि किसी भी नंबर को जब आप और करोगे किसके साथ जब आप और करोगे जीरो के साथ ठीक है तो जब आप किसी भी नंबर को और करोगे जीरो के साथ तो आपको क्या मिलेगा बेसिकली ए ही वापस मिल जाएगा बेसिकली ए ही वापस मिल जाएगा सेम कहानी गोज फॉर एंड एज वेल कि आप किसी भी नंबर को एंड करोगे बट किसके साथ वन के साथ ठीक है किसी को भी एंड करोगे बट किसके साथ वन के साथ तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको आपको आंसर मिल जाएगा बेसिकली ए वापस राइट right? तो ये कहानी है कि और विल विल गिव यू ए, और ए और विल गिव यू यू एंड एंड बैक अगेन तो ये भी दोनों क्या है आइडेंटिटी रूल हो गया क्योंकि दोनों में आपको वापस से आइडेंटिकल एलिमेंट ए ही मिल रहा है तो ये कहानी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जो आई होप क्लियर है ना जिसमें कोई दिक्कत नहीं बची है आई होप ये चीज कंप्लीटली क्लियर है कि ये कहानी है राइट नो दिस दिस बुलियन प्रॉपर्टी मोर देन एनीथिंग एल्स इज व्हाई द एडिशन सिंबल इज यूज फॉर लॉजिकल और एंड द मल्टीप्लीकेशन सिंबल यूज फॉर लॉजिकल एंड अब यही एक बुलियन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बेसिकली हम बुलियन और की जगह प्लस यूज करते हैं बुलियन एन की जगह हम मल्टीप्लीकेशन यूज करते बिकॉज सेम प्रटी शो हो रही है ए प्लस जीरो इज ए ए और जीरो इज ए ए मल्टीप्लाइड वन ए ए एंड वन इज ए नॉट दिस इज द ओनली रीजन क्यों हमने इस और को रिप्लेस किया प्लस से और इस एंड को हम रिप्लेस किया डॉट से मतलब मल्टीप्लीकेशन से बेसिकली ये यही रीजन है

नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करने लग जाते हैं तो वो नहीं करना है ठीक है सो आई होप यहां तक क्लियर होगी अब इनको मिक्स करेंगे और बनाएंगे आपका फाइनली रिजल्ट प्लस और माइनस के फॉर्म में बुलियन लॉजिक में अब यही है आपके बुलियन लॉजिक बेसिकली बुलियन लॉजिक के फॉर्म में लिखा हुआ है तो मेरे पास अगर एक नंबर है एक्स कोई भी एक नंबर मैंने इनपुट दिया एक्स दैट कुड बी एनीथिंग

कैसे पहचाना कि आइडेंटिटी है तो भाई एक्स दिया तो एक्स ही मिला ना एक्स दिया तो एक्स ही मिला तो आइडेंटिटी रूल हो गया और ये दोनों क्या है भाई ये है ये है है डोमिनेंस क्या डोमिनेंस और वाई वी आर सेइंग देम एज डोमिनेंस बिकॉज आप एक्स दे रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता आप क्या दे रहे हो आपको आंसर वन जीरो मिलेगा फिक्स ठीक है ठीके? तो ये बेसिकली आपके क्या होगा आइडेंटिटी और डोमिनेंस रूल हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ठीक है तो कहानी क्या है कि यार जीरो के साथ जब आप एक्स को ऐड करोगे तो यार ये चीज हमने पढ़ भी रखी है इवन वोले लॉजिक में हमने पढ़ रखा है कि जब और की बात आती है जब मैं और कर रहा होता हूं तो कहानी क्या होती है कि जब भी मैं किसी भी नंबर को और कर रहा हूं और तो अभी मैं इसके आगे रूल भी बताऊंगा मतलब प्रूफ भी बताऊंगा आपको ट्रुथ की से, और कर रहा हूं तो मुझे और परफॉर्म करने के लिए अगर नहीं पड़ता उसके अलावा और क्या है हमेशा आंसर वन आएगा एक भी वन है अगर तो फर्क नहीं पड़ता बाकी और क्या है आपका आंसर हमेशा वन आएगा वो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है देखो एक्स के साथ वन है तो फर्क नहीं पड़ता यहां पे एक्स क्या है आंसर तो हमेशा बनाने वाला है दूसरा हम ये कह रहे हैं दूसरा हम ये कह रहे हैं कि यार जैसे कि पहला वाला देखो अब यहां पे आप जीरो के साथ एक्स को एड कर रहे हो अब नहीं पता ना यार एक्स क्या है एक्स जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है तो अगर वन होगा तो एक वन हो गया तो आंसर वन हो गया बट अगर वो जीरो हुआ तो एक भी वन नहीं हो तो आंसर जीरो हो गया तो ये भी कंप्लीटली ट्रू दिख रहा है अकॉर्डिंग टू आर अकॉर्डिंग टू आर रूल्स ऑफ आर उसी तरीके से एंड है एंड में हमने क्या सीखा है कि एंड में अगर एक भी जीरो आ गया तो आंसर हमेशा जीरो हो जाएगा एंड की सिचुएशन में एक भी जीरो आ गया तो आंसर हमेशा जीरो हो जाएगा वही कुछ यहां पर भी एग्जिस्ट करता है और अगर एक भी जीरो नहीं है मतलब सारे वन है तो आंसर वन है वही यहां पर भी है कि अगर आप तीसरा वाला देखो तो एक्स के साथ आप जीरो को एंड कर रहे हो क्योंकि एक जीरो आ गया तो आंसर तो जीरो ही हो गया आप के साथ एंड कर रहे हो को, जब आप वन के साथ एंड कर रहे हो एक्स को तो क्योंकि ये एक्स है साथ में वन है वो तो क्लियर है ये जो एक्स है अब एक्स हमें नहीं पता ना जीरो भी हो सकता है तो जब हमें ये नहीं पता कि जीरो या वन क्या है तो कुछ भी हो सकता है अगर ये जीरो निकल गया तो आंसर जीरोगा वन निकल गया तो आंसर वन हो जाएगा तो ये भी कम्प्लीटली ट्रू है कि एक्सपे डिपेंडेंट है कहानी तो ये बेसिकली आपके हमने जो एंड और और देखा उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी निकाली है अब हम करेंगे क्या अब ये प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली जो आपको ध्यान भी रखना है ठीक है हमने प्रॉपर्टीज तो देख ली अब हमें जो कहानी देखनी है वो ये देखनी है कि हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं अब हर थे देखेंगे आगे उन सबके प्रूफ आएंगे और वो प्रूफ आपके सिलेबस में है कुछ ऐसे भी थ्योरम्स आएंगे जिनका हम भी देखेंगे। आगे मिलेंगे वो आपको बट फॉर नाउ जो बेसिक की मदद से? Postulates, जो postulates हमने पढ़ रखे हैं जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है उनको यूज करते हुए हम कुछ थ्योरम्स प्रूफ करेंगे तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और सबसे पहले थ्योरम उठाएंगे जीरो प्लस एक्स और इसको प्रूफ करेंगे तो ये आपका हो गया जीरो प्लस जिसका ट्रुथ टेबल ये है 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स अब क्या कहानी है वो देखिए तो बेसिकली हमें ये करना है कि हमें एक तो पूरा जीरो बना देना मतलब सारी पॉसिबिलिटीज लेनी है क्या क्या तो ये ट्रुथ टेबल बनेगी कैसे वो देखिए तो आपको जब भी कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो

बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने हैं अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज कर ले तो दो वेरिएबल के साथ चार चार पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी अगर तीन वेरिएबल यूज कर ले तो आठ पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी जैसे यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी जो आपको बता रखा है तो दैट इज वॉट टू की पावर जो एन वेरिएबल्स है तो टू की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल गिव यू द टोटल रोज जो आप रोज लेनेोटल है? एक है, एक तो तो की पावर वन विल गिव यू टू तो ओनली तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज लेनी है तो बेसिकली करना क्या है जीरो लिखना है और एक्स लिखना है अब एक्स की जो जो भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है वो लिख दो तो एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है एक तो जीरो करती है एक वन करती है यही दो तो करती है और इनके साइमल्टेनियसली जीरो एज इट इज आ जाएगा जीरो वुड भी एज इट इज और अब हम करने क्या वाले हैं अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं आपका बेसिकली क्या आ, प्लस मतलब जीरो प्लस एक्स करने वाले हैं तो ये क्या है बेसिकली आपका पॉस्टिलेट लगाएंगे हम यहाँ पे तो जीरो प्लस एक्स क्या है बेसिकली नॉर्मल सा और ऑपरेशन तो जब आप जीरो प्लस करोगे तो पहले रो में देखो तो जीरो प्लस जीरो, बेसिकली आपका नॉर्मल रखिएगा और कौन सा यूज कर रहे है? तो ध्यान कि आपका तो 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 फोर्थ पॉस्टुलेट क्या आपका कॉम्प्लीमेंट वाला, है। है? वाला, है। है? वाला है। तो हम यहाँ पे यूज क्या कर रहे पॉस्टुलेट का यूज कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जीरो प्लस जीरो तो जीरो और जीरो का और करेंगे तो क्योंकि एक भी वन नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो दूसरा हम कह रहे हैं जीरो और वन तो जीरो और वन का जब भी आप और करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा हमेशा वन जीरो और वन को और करोगे तो क्या मिल जाएगा वन अब हमने ये रियलाइज किया कि यहां पे कोई डोमिनेंस नहीं है कि यार एक ही आंसर आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार बिल्कुल सेम ही आंसर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज नॉट तो क्योंकि ये सिचुएशन नहीं है कि एक ही आंसर यहां पे आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसको मैच करके देखते हैं कि के साथ मैच हो रहा है तो यहां पर एक्स जीरो तो ये भी जीरो पे एक्स वन तो यहां तो पर भी वन तो क्योंकि एज इट इज बिल्कुल एक्स मैच हो रहा है तो हमारा रिजल्ट ट्रू है कि जब आप एक्स को जीरो के साथ और करते हो तो हमेशा आपको एक्स मिलता है तो आपका रिजल्टेंट भी क्या आ गया यहाँ पे एक्स ही आ गया बेसिकली समझ में आया सो दैट इज दट वी आर सिग्निफाइंग सो हेर आर सिग्निफाइज द आउटपुट तो यहां पे जो आर है वो सिग्निफाई करता है आउटपुट को जो रिजल्ट आ रहा है जीरो और X और एक्स के से ठीक है एंड एक्स कैन हैव वैल्यू जीरो एंड वन तो एक्स की वैल्यू जीरो या वन में से कुछ हो सकती है सो बोथ द वैल्यूज ऑर्ड विद जीरो तो इन दोनों वैल्यूज को जब आप और करोगे जीरो के साथ विद जीरो प्रोड्यूस द सेम आउटपुट एज दैट ऑफ एक्स तो ये आउटपुट जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो बिल्कुल एक्स तरीके से सेम है तो प्रूव्ड कि आपका ये है समझ में आया तो बेसिकली इस तरीके से आपको बेसिकलीस इज इक्वल टू वन अब वन प्लस एक्स पहले इस बार क्या करता हूं उसको हाइड कर देता हूं और यहाँ पे आपको बताता हूँ ये चीज ठीक है क्योंकि ये सब दिखता है तो आपको कंफ्यूजन होता है राइट right? इधर देखे उधर देखे तो यहाँ दिखाते हैं चलिए एक बार बस लेंगे क्या करना था वन so है one है ये हमें प्रूफ करना है ठीक है सो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन ये प्रूफ करना है अब अगर अगेन आप यहां पे देखो तो वन है वन तो चेंज ही नहीं हो सकता आपको क्या देखना है एक्स तो एक्स बेसिकली क्या हो सकता है चेंज हो सकता है तो दो पॉसिबिलिटीज है एक्स के साथ क्या क्या तो एक्स के साथ एक तो है जीरो एक तो है वन राइट right. और बाकी यहां वन है और आपको क्या करना है वन है तो बेसिकली वन ही रहने वाला है अब फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको वन प्लस एक्स का रिजल्ट निकाला है ये आ रहे है आपका तो रिजल्ट क्या जाएगा, का, और वन प्लस पॉस्टलेट लगा रहे टू सेकेंड पॉस्टुलेट लगा रहे यहाँ पे यहाँ पे इवन आप लिख भी सकते हो कि रिजल्ट कैसे आया ये आ गया पॉस्टलेट टू से और ये रिजल्ट भी कैसे आया ये भी आया पॉस्टुलेट टू से ये चीज आप लिख सकते हो ठीक है तो वन और वन या वन प्लस वन विल गिव यू अगेन बैक वॉट वन और अब देखो यार फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक्स क्या है आपका रिजल्ट हमेशा आ रहा है तो दैट इज

टोटोलॉजी तो दिस इज वट दिस इज टोटोलॉजी राइट सो दिस इज नोन एज वट दिस इज नोन एज टॉटोलॉजी क्लियर टोटोलॉजी क्लियर है कि इस चीज को टोटोलॉजी कहते हैं तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन इज वट इज टॉटोलॉजी ठीक है बिकॉज so हमेशा आउटपुट क्या आ रहा है वन भाई मैंने एक वीडियो में इस चीज के बारे में बता रखा है प्रीवियस इसके टॉपिक देखिए बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको टॉटोलॉजी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो एक्चुअली इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखे मेरे प्रीवियस वीडियोस में मतलब बुले लॉजिक के जो पहले के वीडियोस आए हैं वो एक बार देखिए बिकॉज उसमें मैंने टॉटोलॉजी टर्म को बता रखा है कि क्या होता है टोटोलॉजी टर्म तो एक बार वो देख के आइए अगर आपने वो नहीं देखा है बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट सो नोट कर लीजिएगा भाई कि वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन इज अ टॉजी ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सी उठाएंगे सी इज जीरो डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्रव so, करेंगे यहां पे चलेंगे नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है जीरो डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब जीरो का हम एक्स के साथ अगर एंड करते हैं तो आपको हमेशा रिजल्ट यहां मिलता है जीरो है, देखते हैं अब अगेन इन जीरो है तो जीरो के साथ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं एक्स आ जाएगा बस तो एक्स की वही दो पॉसिबिलिटी जीरो एंड वन बाकी इनके साथ अगर मैं जीरो लगाऊंगा तो वो जीरो जीरो ही रहेंगे भाई ठीक है और फिर नेक्स्ट अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा विच इजीरो डॉट एक्स तो ये आपको क्या दे रहे हैं ये आपका रिजल्ट है और रिजल्ट क्या आ रहा है तो देखिए तो क्या कह रहे हैं हम कि जब आप एंड करते हैं तो यार एक भी जीरो तो आंसर है जीरो तो जीरो डॉट एक्स विल गिवट अगेन जीरो एंड जीरो डॉट वन विल गिवट अगेन जीरो तो यहां अगर आप देखो तो इसको हम कह रहे हैं कि यार आप क्योंकि कुछ भी एक्स रखो आंसर आपका जीरो ही आ रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि यार जीरो डॉट एक्स इज ऑलवेज गिविंग यू वट इज ऑलवेज गिविंग यू जीरो

ठीक है अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है सारा आंसर रिजल्ट में कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ता आपको रिजल्ट में हमेशा आंसर जीरो मिलने वाला है तो क्योंकि आपको हमेशा रिजल्ट में आंसर जीरो मिलने वाला है तो दिस इज वॉट दिस इज नोन एज फैलिस ठीक है सो फैलिस क्यों बोल रहे हैं इसको या फॉलिसी क्यों बोलते हैं कुछ लोग फॉलिसी बोलते, बोलते हैं कुछ लोग फैलिसी बोलते हैं ठीक है सो फैलिसी या फॉलिसी का क्या मतलब आपका हमेशा आउटपुट वन आना एंड अगेन ये भी हम पहले देख चुके हैं मतलब टॉटोलॉजी और फैलेसी या फॉलिसी हम पहले देख चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिए मतलब इस चैप्टर की प्रीवियस टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं वो देख के आइए बिकॉज फैलेसी के बारे में या फॉलेसी बोलता हूँ मैं इसको फॉलिसी के बारे में और हमने टोटोलॉजी के बारे में देख रखी है पूरी डिटेल ठीक है तो वो एक बार जरूर देख के आइए तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं जीरो डॉट एक्स इक्वल टू जीरो इस

एक्स की दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या जीरो एंड वन दो पॉसिबिलिटीज और साथ में क्या है वन है ठीक है और रिजल्ट में क्या है वन डॉट एक्स विच इज रिजल्ट ठीक है तो वन के साथ तो हमेशा वन ही आएगा इस डॉट कर रहे हैं डॉट कर ले मतलब एंड कर रहे हैं तो वन के साथ एंड करोगे फर्क नहीं पड़ता जीरो है तो जीरो आने वाला है तो क्योंकि वन डॉट जीरो से आपको आंसर मिल रहा है क्या जीरो एंड वन डॉट वन मिल रहा है वन यूज क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे पॉस्टुलेट थ्री यूज कर रहे हैं विच इज एंड वाला पॉस्टुलेट यूज कर रहे हैं थर्ड पॉस्टुलेट ठीक है तो वन डॉट जीरो इज जीरो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है हमेशा सेम आ रही है नहीं बट क्या हो रहा है मैच कर रही है जीरो एंड वन तो ये हमेशा x के बराबर आ रही है तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आ, दिस इज ट्रू कि जब आप वन को x के साथ एड करते हो तो आपको रिजल्ट में x मिलता है अब ये एक ऑब्जर्वेशन ही तो है ये कुछ हमने नया थोड़ी बना दिया ये ऑब्जर्वेशन है ठीक है कि अगर आप ये करोगे तो ये एक्चुअली में ये रिजल्ट बना तो ये ऑब्जर्वेशन है तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं बहुत बेसिक थ्योरम्स एग्जिस्ट करती है बहुत बेसिक थ्योरम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है थीके? तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दीज थ्योरम्स आर वेरी बेसिक ठीक है बट फंसते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज प्रैक्टिस नहीं होती अब क्या होगा जैसे कि हम सारी प्रॉपर्टीज को एक बार क्लब कर लेंगे सारे थियरम्स को एक बार बैग में डाल लेंगे अपने फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा क्वेश्चन करते करते कि हम किस तरीके से इन थियरम्स को यूज़ करें तो मेन इंपॉर्टेंट इन थियरम्स का यूज़ है क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं पेपर में आपसे सीधे सीधे थियरम स्टेट भी करने के लिए कह दिया जाएगा क्या इन इस थियरम को स्टेट करो क्या है और ट्रुथ टेबल की मदद से इसको प्रूव करो ये भी कह दिया जाएगा

डोमिनेंस एंड आइडेंटिटी आई होप तो एक, एक तरीके से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन की मदद से हमने दो थियोरम्स एक साथ कवर कर ली एक तो है डोमिनंस और एक है एक है आइडेंटिटी रूल तो डोमिनंस और आइडेंटिटी रूल हमने कवर कर लिया है तो आई आई थिंक सो या आई होप सो कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं बची होगी कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा है ना कोई दिक्कत कोई कहानी में प्रॉब्लम नहीं बची होगी आई होप दैट ठीक है तो ये था यार मेरी तरफ से आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वन जो आई होप आपका हो गया कंप्लीट ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट हम एक और कुछ प्रॉपर्टी उठाएंगे और उसको डिटेल में समझेंगे तो वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में देखेंगे तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए बने रहिएगा अगर आपको वो चीजें जाननी है तो फॉर नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नोट करने के लिए चीजें हैं ओके पहले जरा एक नोट जरा कर लें फिर एंड करेंगे ठीक है तो नोट किया है प्रॉपर्टीज बी एंड सी आर डुअल्स ओके आपको प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी बताया था प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या बताया था कि आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है इसमें अगर आप आ, प्लस की जगह डॉट कर दो डॉट की जगह प्लस कर दो और अगर जीरो की जगह वन कर दो वन की जगह जीरो कर दो तो एक नया रूल बन जाएगा वही कुछ डुअल्स यहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं सो प्रॉपर्टीज बी एंड सी So, जो प्रॉपर्टी बी और सी है वो डुअल है ये कहना चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज बी एंड सी आर डुअल्स ऑफ ईच अदर एंड प्रॉपर्टीज ए एंड डी आर डुअल्स ऑफ ईच अदर और A और ए डी भी आपस में डुअल होती हैं देखो कैसे तो पहले ए और डी देख लेते हैं तो ए को उठाते हैं ए में चीजें रिप्लेस मारेंगे देखेंगे डी मिलते नहीं मिलता हमें तो ए में क्या है देखो ए आपको ये दे रहा है कि जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स ए ये कहना चाह रहा है रो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स ये कहना चाह रहा है अब इसमें हमें लगाना है क्या डुवेलिटी प्रिंसिपल इससे पहले वाली वीडियो में हमने इससे पहले से पहले वाले वीडियो में हमने डुवैलिटी सीखा हुआ है तो एक बार डुवेलिटी वाला नहीं देखा अगर आपने वीडियो तो वो देख के आइए क्योंकि उसमें एक प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे तो प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है वैसे प्रोसीजर क्या है कि आपको जितने भी यहाँ पे जीरो दिखे उनको वन से रिप्लेस करना है वन दिखे जीरो से रिप्लेस करना है डॉट दिखे प्लस से रिप्लेस करना है प्लस दिखे डॉट से रिप्लेस करना है यहां मुझे वन और डॉट तो दिख नहीं रहा है जीरो

का कर रहा है डुअल ही तो सिग्नीफाई कर रहा है कि भाई ये बिल्कुल इसका डुअल है इसमें आपने कुछ भी चेंजेस माना तो ये मिल गया आपको तो डुअल आ गए समझ में आया अब ऐसे ही हम उठाते हैं जरा फटा फटाफट बी ठीक है तो अच्छा बी नहीं उठाते सी उठाते ठीक है क्योंकि आपस में एक दूसरे के डुअल भी होते जैसे कि सपोज मैंने कहा ए उठाया तो ए का डुअल डी है वैसे अगर मैं डी उठाता तो डी का डुअल ए आता एक्चुअली वो भी दिखाता हूँ ठीक है तो अगर सपोज मैं पहले डी उठाता अगर मैं डी उठाता तो क्या मिलता one dot x is to x है ना, so इसमें करोगे की dot की जगह जगह लिखोगे लिखोगे फिर है और ये डुअल था राइट right? तो ये चीज मैं लिख सकता हूं वैसे ही सेम कहानी में बी और सी के साथ भी लिख सकता हूँ तो वो बी और सी देखते हैं जरा फटाफट मतलब कि यार एक दूसरे के डुअल होते हैं ये ऑरिजिनल एक्सप्रेशन के डुअल होते हैं इस दोनों मतलब आपस में ठीक है अब ऑरिजिनल एक्सप्रेशन इंटरचेंज हो तो डुअल इंटरचेंज हो जाएंगे चलो बी उठाता सबसे पहले तो बी में क्या है भाई वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन यहां पर भी प्लस दिख रहा है और वन दिख रहा है तो वन को जीरो से रिप्लेस करेंगे और प्लस को डॉट से तो वन रिप्लेस होगा जीरो से प्लस इंटरचेंज होगा डॉट से एक्स इट इज और ये वन इंटरचेंज हो जाएगा जीरो से तो ये क्या बन गया जीरो डॉट एक्स इज इक्व टू जीरो अगेन भाई अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी वाली वीडियो देखिए बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसी में हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है ठीक है चलो अब ये क्या एक्सप्रेशन आ गया अगर आप मैच करो तो ये एक्जैक्टली exactly सी है जीरो डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है सी एक्सप्रेशन तो ये क्या हो गया कि भाई ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन था ये इसका डुअल है

ये क्या बन गया डुअल बन गया तो one plus X is equals to one क्या बन गया वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन इज डुअल तो बेसिकली ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन का डुअल बन गया अभी क्लियर तो ये आपकी क्या है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी और मैंने जैसे आपसे कहा था कि हर थ्योरम में प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी एग्जिस्ट करता है आगे आने वाले हर थ्योरम में हम ये चीज देख रहे होंगे सो प्लीज़ रिकॉल दिस और प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी तो क्लियर रखिए दिम, दिमाग में और एक बार अगर नहीं देखिए वीडियो तो देख के आइए क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ़ डुअलिटी वो प्रोसीजर से ही समझ में आएगा वहां पे आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ़ डुअलिटी एक्चुअली में बता रखा है पूरा डिटेल में समझा रखा है विद एन एग्जाम्पल तो एक बार वो देख के आइए क्लियर हो जाएगा तो दिक्कत यहाँ पे क्या है प्रीवियस वीडियो ना देखना नहीं तो चीज़ समझ में आई जाएगी प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अगर देख रखा है आता है तो ये क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी तो देख के आइए राइट right. तो ये हो गया भाई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो और अब आगे आने वाली वीडियोस में भी ये प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो क्लियर कर लो अब पीछे नहीं छोड़ेगा आपको आगे तक ठीक है चलो सो so, नेक्स्ट है यार हमारी वेबसाइट विच इज मैगरेट डॉट कॉम तो या तो, तो यू पे सीधे सीधे डाल दो मैगरेट डॉट कॉम या फिर गूगल पे सर्च कर लो आप कि मैग्नेट मैगनेट्रेन्स पहली वेबसाइट आएगी उस पर भी माइगनेट ब्रेस डॉट कॉम वेबसाइट खुल जाएगी क्लिक करोगे तो यहां लाइन कर जाओगे दिस इज आर होम पेज वेबसाइट का होम पेज है यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें से आपको सी बी एस ई के टूटेल इंग्लिश क्लिक करना है ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा जिसमें से क्लास इलेवंथ पर क्लिक करना है तो क्लास इलेवंथ के अंडर इस कैटेगरी में जो जो भी मैग्नेट माइगनेट्रेस आपको कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे यहाँ यू नीड टू स्क्रॉल डाउन सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस क्लिक ऑन वॉच नाउ तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियो खुल जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियो खुल जाएंगे किसी भी वीडियो

और यहां पर भी ऐसा नहीं कि दो चैप्टर से दो तो वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कंप्लीट कोर्स सेट आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बस आपको करना क्या है आपको आना है सीखना है डाउट्स पूछना है प्रैक्टिस करना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं एन ओर स्कूल एग्जाम्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दैट इज वट वी नीड फ्रॉम यू जस्ट गुड मार्क्स एंड अ गुड करियर इन योर लाइफ दैट इज वट वी नीड राइट चलो बाकी कोर्स आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर सो so, भाई अगर आपको हमारी मेहनत तो अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो अच्छी लग रही है प्लेज पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो so, रही है हमारी वजह से सो हमारे साथ यानी कि मैनेजमेंट से जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किन्डर गार्डन से क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इस तरीके से बने रहेंगे राइट right? मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच